हम बना रहे हैं फ्राई चने। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 2 टीस्पून सुरख मिर्च, आधी टी स्पून हल्दी अजवाइन, आधी टी स्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया, आधी टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सॉल्ट और चाइनीज सॉल्ट फुल टी स्पून, और 2 खाने के चम्मच अमचूर, और 1 फुल टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, आधा किलो चने बॉयल्ड और 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 2 लेमन का जूस और 2 कप कुकिंग ऑयल और 1 कप पानी। आधा किलो चनों को आप 2 घंटे भिगो लें। उसके बाद 1.5 से 2 घंटे आप कुकर में इनको गला लें अच्छी तरह से। चने खूब नरम हो जाएं, लेकिन ये फटे ना या टूटे ना, बहुत ज़्यादा गले गलाए भी ना हो और सही सॉफ्ट से हों बिल्कुल। बहुत मोटा चना भी नहीं लेना और बहुत बारीक भी नहीं लेना, मीडियम चने लेने हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, बहुत तेज़ ऑयल को गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करें और इसमें सारे खुश्क मसाले डाल दें, मिर्चें डाल दें, अमचूर डाल दें, नमक डाल दें, हल्दी डाल दें, सब खुश्क मसाले इसमें डाल दें। और इनको तेल में फ्राई करें। अमचूर की अगर गुठलियां बने तो उसे पीस लें, चम्मच से तोड़ लें गुठली, अमचूर पिसा हुआ लें और उसको छान लें पहले। मिर्चें फ्राई हो रही हैं, इनको जलने नहीं देना, हल्के सुर्खी मायल हों तो इनको पानी का छींटा देना है। मिर्चें भून चुकी है, मसाला भून चुका है, अब इसमें चने ऐड करते हैं। चनों को अच्छी तरह से भून लें, पानी खुश्क हो जाए। उनको कुछ देर के लिए कवर करें, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं। चने भून चुके हैं, अब हम इनमें हरी मिर्चें और लेमन जूस ऐड करते हैं। फ्लेम लो कर दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको कर दें। ध्यान रहे चने बिल्कुल लगे ना, जलने ना पाए।
अब आप इसमें तकरीबन 1 टीस्पून बराबर कसूरी मेथी लेके हथेली से मसल लें, या अगर आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करना चाहती हैं तो ग्राइंड भी कर लें, और तकरीबन 1/2 टीस्पून बराबर आप जीरा भी ले लें और उसको भी हथेली से मसल लें और उसको छिड़क लें। अब इनको दम पे रख लें 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। चने अब रेडी हो चुके हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें अचार भी शामिल कर सकते हैं। हमारे फ्राई चने अब रेडी हैं, इनमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। चना का सालन अब रेडी है, चने रेडी, चने रेडी हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी।